दीन के जो अहकाम है चार तरह के, दीन की जो बातें हैं चार में से किसी एक किस्म से ताल्लुक है। नंबर एक जरूरियात दीन, नंबर दो जरूरियात अहले सुन्नत, नंबर तीन साबितात मुहकमा और नंबर चार जन्नियात मुहकमा। नंबर एक जरूरियात दीन, नंबर दो जरूरियात अहले सुन्नत, नंबर तीन साबितात मुहकमा और नंबर चार जन्नियात मुहकमा। सबसे पहले जरूरियात दीन, जरूरियात दीन वो चीज़ें हैं कि जिनका दीन में से होना हर एक को मालूम है, इसके लिए किसी खास दलील की जरूरत नहीं। लफ्ज ज़रूरी बदीही के तौर पर इस्तेमाल होता है और बदीही वो चीज़ होती है कि जिसके लिए किसी दलील या खास की हाजत नहीं, इसका दीन में से होना हर आम और खास को पता होता है। खास से मुराद उलमा है और आम से मुराद उलमा की सोहबत में बैठने वाले लोग। अगर कोई जंगल में या देहात में कोई देहाती है जिसमें उन बातों का इल्म ना हो तो इससे जरूरियात दीन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जरूरियात दीन वो है कि जिनका दीन में से होना हर आलिम और हर उलमा की सोहबत में बैठने वाले शख्स को मालूम है, यानी इसका दीन में से होना बदीही है। इसके लिए किसी खास उस पर दलील का होना या कतई दलील का होना जरूरी नहीं, क्योंकि बाद अवकात दलील जो है अपनी दलालत अपनी सबूत की जब हम बात करते हैं तो वो तो खास दलील हो गई है खूबसूरत। तो बाद रुपयात दीन ऐसे भी है कि जो इस पर इजमा है या पूरी उम्मत उसको जानती है, बस वो इजमा से भी ऊपर की कोई चीज़ है, तो कोई खास उस पर नस का आना ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे रकअतों की तादाद इसमें कोई खसूसियत से नस मौजूद है कि कुरान की आयत से ना होगी, मगरिब की तीन रकअतें फजर की दो हैं, या इस तरह कोई अलग से बहुत सारी हदीसें लाओ जिसमें रकअतों के बारे में कोई तवातुर आ रहा हो, लेकिन तवातुर अमली पूरी दुनिया में मुसलमानों का मौजूद है, इसमें हर बंदा हर मुसलमान जानता है इस बात को। ठीक है, तो ये जो ज़रूरियात दीन के मसाइल होते हैं इसका ऊपर ईमान लाना हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर इसका कोई इनकार करे, अगर इसका कोई इनकार करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज। अब जो जाहिल आदमी है उसे पता ही नहीं ज़रूरियात दीन का, वो उसका ईमान है क्योंकि वो मुनकर नहीं है, ज़रूरियात दीन का इनकार से दायरे इस्लाम से खारिज होता है, लेकिन एक एक ज़रूरियात दीन का जानना ईमान लाने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो जनाब उसको पता ही नहीं है बात तो मुसलमान ही नहीं, हाँ वो इसका इनकार ना करे ये उसके ईमान के लिए वापस। और ज़रूरियात दीन बहुत सारी चीज़ें उलमा ने किताबों के अंदर अपने कुछ जिक्र की हैं कि जहाँ पर इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, यकीदा खत्म नबूवत भी उसी में से है, महीने रिसालत का मामला भी उसी में से है। तो इसमें आपने शराह आयत पढ़ी या मौतकत पढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको ज़रूरियात दीन की उसके अंदर आई हैं, तो जिसका ईमान लाने के लिए जिस पर ईमान होना, मुसलमान होने के लिए जिस पर ईमान होना ये ज़रूरी है। समझ आई बात है, ये ज़रूरियात दीन कहलाता है।
ज़रूरियात दीन का मुमकिन तासुर, जैसे ख़त्म नबूवत का कोई और माना बयान करता है आखिरी नबी, इस पर इजमा है मुसलमानों का। अब कोई इस माना का इनकार करेगा या कोई नया माना इसका बयान करेगा जो इस माना से हटकर हो, और इस माना के इनकार के साथ उस नए माने की बात करें तो वो दारे इस्लाम से खारिज हो। अब जो देवबंदियों का कासिम नानोतवी था, उसने जो किताब लिखी तहजीब-उन-नास मेरी नजर में, तहजीब-उन-नास, तो उसमें उसने असल गुफ्तगू जो की है वो एक रिवायत है जिसको असर इब्ने अब्बास कहा जाता है। वो रिवायत क्या है कि सातों ज़मीनें हैं और हर ज़मीन पर इस ज़मीन की मिसल आदम भी है, मूसा भी है, ईसा भी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो उसके फिर सवाल ये उठा कि अगर दीगर जगहों पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, दूसरे कोई मोहम्मद भी, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम खातमुन नबियीन कैसे रहेंगे। अब पहली बात तो ये कि ये जो रिवायत है सनदन इंतहाई मुनकर रिवायत है, कोई सही हदीस नहीं, कोई हसन नहीं है, ज़ईफ का भी इंतहाई दर्जा जो मुनकर रिवायत का होता है वो बिल्कुल मौजूद से करीब तरीन है, इस तरह की रिवायत, फिर कोई मकबूल रिवायत भी नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का कौल, अब ये भी मालूम नहीं कि बावकात ये कौल ईसाइयात से आया है या खुद उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो थे वो उन सहाबा के भी शागिर्द थे जो पहले अहले किताब थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम थे जैसे, ठीक है ना, और इसी तरह काबिल अखबार वगैरह बाद में आए थे काबिल के, उनसे सुनकर हो सकता है बात हो जाती है। तो उसके ऊपर जो है उस कासिम नानोतवी ने ये रिसाला लिखा तहजीब-उन-नास, और आखिर में वो फी बयानी असर इब्ने अब्बास। तो यहाँ इसने खातमुन नबियीन का ऊपर गुफ्तगू, और पहले इसने तमहीद बांधी कि जनाब खातमुन नबियीन का माना आखिरी नबी, ये तो अवाम का ख्याल है और अहले फहम पर ये बात रोशन है कि तकदीम और ताखीर में, तकदम ज़मानी और ताखीर ज़मानी में बिज़ात कोई फजीलत नहीं, यानी कोई पहले आया कोई बाद में आया, तो इससे इसमें कौन सी फजीलत हासिल, ये कोई फजीलत की बात है। तो यहाँ इसने पहले कैद लगा दी थी बिज़ात, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ बिलवास्ता हो सकती है, बिज़ात तो नहीं है लेकिन ये बिज़ात की कैद लगा रहा है, बिज़ात का मतलब होगा तो बिज़ात ही चीज निकलेगी, लेकिन बाद फ़ज़ाइल बिज़ात होते हैं और बाद फ़ज़ाइल बिलवास्ता होते हैं, जैसे नसब की फजीलत बिलवास्ता होती है, इल्म की फजीलत बिज़ात होती है, ठीक है ना, उस बंदे के अंदर खुद ये काबिलियत होती है, फजीलत होती है, और नसब के अंदर तो माँ बाप की वजह से उसको फजीलत मिल गई होती है। तो अब यहाँ इसने कहा कि अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम और ताख़ुर में बिज़ात कोई फ़ज़ीलत नहीं। तो जहां इस जुमले में उसने हुज़ूर का आखिरी नबी होने को कहा, यह अवाम का ख्याल है, तो जब किसी जुमले की नफी की जाती है तो उस तरह यह अवाम की तरह मंसूब किया जाता है, ये तो अवाम की बातें हैं, यानी इसमें कोई हकीकत, इसीलिए आगे तमहीद भी कह रहा है कि जनाब अहले फहम पर ये रोशन है कि इसमें कोई बिज़ात फ़ज़ीलत नहीं।
خاتم ومن آخری نبی، تو تاخر زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اہل مقام پر روشن ہے کہ اس میں کوئی ذات فضیلت نہیں. پھر آگے جملہ کہتا ہے کہ یہ آیت اللہ نے حضور کی مدح میں بیان کی اور جب تقدم و تاخر میں فضیلت ہے ہی نہیں تو پھر یہ آیت مقام مدح میں کیسے پیش کی جا سکتی ہے. اب یہاں تو دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہو گے کہ یہ مدح نہیں ہے، یہ مدح نہیں حضور کی، یا مدح ہے تو پھر آخری زمان نبی ہونے میں تو کوئی مدح ہے ہی نہیں، تو پھر یہ فضیلت یہ کیسے آ رہی ہے. تو پیچھے اس نے بھی ذات کی قید لگائی تھی اور یہاں اس نے ساری فضیلت اڑا دی، کیونکہ بھائی کسی کی فضیلت بھی ذات فضیلت سے بھی ہوتی ہے، اپنی واقعہ سے بھی ہوتی ہے. جیسے سادات کرام کی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ واسطہ فضیلت ہے. تو مقام مدح میں دونوں چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں، ذات فضیلت بھی مدح میں پیش کی جا سکتی ہے اور واسطہ بھی. تو اب آگے جا کر اس نے کلیتاً نفی کر دی کہ بھائی یہ مقام تو مقام مدح ہے، یا تو اس کو مقام مدح نہ مانو یا پھر کوئی فضیلت کی بات لے کر آؤ، یہ تو فضیلت ہے ہی نہیں. آخری ہونا تقدم و تاخر ہونا، اس میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں. تو اس نے یہاں آ کر اس فضیلت میں جو وہاں پیچھے بھی ذات کی قید لگائی تھی وہ قید بھی اڑا دی. پیچھے تو کچھ بچت ہو گئی تھی اس کی، لیکن یہاں پر آ کر اس نے جب یہ کہا کہ مقام مدح میں پھر اس آیت کو پیش کرنا کیسے، اس بات کو پیش کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے، استفہام انکاری کر رہا ہے نا، کیسے درست ہو سکتا ہے، یعنی درست نہیں ہے، استفہام انکاری ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے. اس لیے اس نے پھر ایک نیا معنی گڑا، ذات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ذات نبی ہیں اور باقی سب عرض ہیں. اور اس سے پھر اس نے متفرع آگے کیا کہ حضور کے زمانے میں بھی اگر کوئی اور نبی ہوتا یا بالفرض حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے. اس پہ جاہل کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھائی خاتمیت زمانی خاتمیت مرتبی کو لازم ہے. خاتمیت زمانی کا مطلب کیا ہے؟ سب سے آخری نبی ہونا. خاتمیت زمانی کا مطلب کیا ہے؟ اور جب حضور کے بعد کوئی نبی آیا تو کہتا پھر بھی خاتمیت زمانی پہ کوئی فرق نہیں آئے، تو بھائی حضور پھر خاتم النبیین کہاں رہے؟ اور یہ کہتا ہے حضور کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ خاتمیت کا معنی کچھ اور بیان کر کے اب وہ معنی بیان کر کے کہتا ہے حضور کی بھائی خاتمیت زمانی کا تو ہو گیا نا ان کا، جب تو خاتمیت ذاتی کی بات کر رہا ہے مرتبی کی بات کر رہا ہے تو جب خاتمیت زمانی ہی نہیں رہی تو پھر کیا رہا. اور مسلمانوں نے جو اس کا معنی سمجھا آیت کا، صحابہ نے سمجھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، جو تواتر سے مسلمانوں میں منقول ہے، جو ضروریات دین میں سے ہے، وہ کیا ہے؟ حضور کا آخری نبی ہے، یہی معنی تواتر سے، یہی ضروریات دین. اور اسی وجہ سے مرزا قادیانی کی تفسیر، چاہے وہ اس کو اپنے آپ کو ذلی نبی کہے چاہے بروزی نبی کہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کی تکفیر کی گئی نا. تو یہ ابتدا نکالی قاسم نانوتوی نے، خاتمیت کا معنی آخری نبی، یہ تو عوام کا خیال ہے، اور اس کا معنی تو خاتمیت مرتبی رکھی جائے، خاتمیت زمانی میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں. تو صحابہ بھی یہی معنی سمجھ رہے ہیں، حضور بھی یہ سمجھ رہے ہیں، اس کو کوئی فضیلت ہی نظر نہیں آ رہی، اور ساری گفتگو اس پہ کر رہا ہے عصر ابن عباس. تو بھائی سیدھی سیدھی وہ روایت ہی مردود ہے، ختم بات، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو اس لیے اس کی اس عبارت کے اوپر تحقیق کی گئی قاسم نانوتوی،
और ये खातमियत जमाने का मुमकिन बना। मोतकद के अंदर आपने पढ़ी होगी, आखिर में पढ़े थे सारी चीजें, हालत है वहीं से। फिर हुसामुल हरमैन जो है ये इसी पर तस्दीक है, जो मोतकद का आखिरी हिस्सा है उसके ऊपर तस्दीक आती है। हालत ने अपने जमाने के जो फितने पाए जाते थे उसमें ये पाया गया। तो ये जितने पांच लोगों पर जो फतवा दिया गया तकफीर का, वो जरूरियात दीन के इनकार की वजह से, ये खात्मियत जमानी का मुनकिर हुआ, इस वजह से काफिर हुआ। अशरफ अली थानवी ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को जानवरों और पागलों के इल्म से तशबीह दी, और ये हुजूर की तौहीन है। और जो तौहीन का मुर्तकिब होता है वो भी ज़रूरियात दीन का मुनकिर है, क्योंकि नबी की ताज़ीम और तौकीर ये ज़रूरियात दीन में से है। तो जो इसके खिलाफ करेगा वो ज़रूरियात दीन का मुनकिर होगा। तो ये भी बराह रास्त ज़रूरियात दीन का इनकार हुआ इसका। उससे भी सवाल क्या हुआ था, अच्छा फर्जी सवाल किया, उसने फर्जी जवाब देना शुरू किया। ये देवबंदियों की पुरानी आदत है। अब सवाल क्या करता है कि हुजूर को आलिमुल गैब कहना कैसा, हालांकि कोई भी सुन्नी हुजूर अलैहिस्सलाम को आलिमुल गैब नहीं कहता। खुद फतावा रज़िया शरीफ में इस बारे में फतवा मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को आलिमुल गैब कहना जायज नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज जो है उर्फ और आदत में और मुहावरा शरीयत में इल्म जाती के साथ खास है, अल्लाह के इल्म के साथ खास है, इसलिए अल्लाह ताला के लिए आलिमुल गैब कहा जाएगा, बाकी किसी और को आलिमुल गैब कहना जायज नहीं। तो इस लफ्ज का कहने का तो कोई दावेदार था ही नहीं, जिसके ऊपर इसने पूरा ये रिसाला हिफ्ज़ुल ईमान, हकीकत में खफ्ज़ुल ईमान है, ये लिखा। सवाल किया जी हुजूर को कोई कहे कि आलिमुल गैब कहा जाए और दलील ये दे कि हुजूर जो है वो बहुत इल्म जानते हैं इसलिए उनको आलिमुल गैब कहा जाए। तो इस पर इस अशर फेली ने ये रिसाला लिखा, वो वर्दी पर्चा, जिसमें वो कहता है कि जी अगर जैद कहे हुजूर को आलिमुल गैब तो दरियाफ तलब अमर ये है कि इससे कुल गैब मुराद है, कि जिससे गैब का कोई भी फर्द बाहर ना रहे, या बात मुराद है। तो कुल फर्द होना तो ये तो अकलन और शरण बातें लगे कि कोई भी फर्द हुजूर के जो हकी नफ्स गैब है उसका कोई फर्द भी हुजूर के इल्म से बाहर ना हो, तो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो गायब है, तो इसीलिए कुल इल्म तो मुराद नहीं है। और अगर बाद इल्म मुराद है उस पर आगे बकवास करता है कि ऐसा इल्म गैब तो हर जैद अमर बकर बल्कि जमी बल्कि सभी मजनून बल्कि जमी बहाइम को भी हासिल है, तो फिर इन सबको भी आलिमुल गैब कहा जाए। तो ऐसा इल्म गैब तो किस कौन से किसके इल्म की बात हो रही है, हुजूर के इल्म, ऐसा इल्म गैब तो सबको हासिल है। वजह तशबी ला रहा है ना कि भाई अगर इस इल्म की बुनियाद पर हुजूर को आलिमुल गैब कहते हो तो ऐसा इल्म तो औरों को भी है, तो सबको आलिमुल गैब कहो। तो यहां हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म को इसने माज अल्लाह आम इंसानों जानवरों के इल्म से तशबीह देता है, पागलों के इल्म से तशबीह देता है, तो ये सरी तौहीन नहीं तो और क्या। फिर इसके देवबंदियों से मुनाज़िरे भी हुए काफी। अब ऐसा इल्म गैब को एक देवबंदी मुनाज़िर कहता है कि ये ऐसा बामाना
इतना कहे, यानी इतना इल्म है। और अगर ये तशबीह के लिए होता तो कुफर होता। दूसरा देवबंदी मुनादिर कहता है कि ये ऐसा बामाना इतना के नहीं है, अगर बामाना इतना के होता तो कुफर होता। दोनों ने एक दूसरे पे तकफीर कर दी। हमने कहा दोनों ही काफिर, समझ आई बात? तो भाई ये तशबीह है, हर बंदा जो उर्दू थोड़ी भी जानता है उसे पता है कि ऐसा ऐसा जो जब कहते हैं तो तशबीह के लिए होता है। ठीक, तो हुजूर के इल्म को जब जानवरों के इल्म से तशबीह दी है तो ये ज़ुरियात के इल्म का मुमकिन हुआ और इसके भी तकफीर की गई। बाकी बचा बराहिने खातिया। बराहिने खातिया जो है वो लिखी खलील अहमद अम्बेडकरी ने, अपने आप को खलील अहमद मदनी कहता है। तो मदीने से मुराद मदनी नहीं है, ये मदन पूरा था इंडिया में इलाका, इससे मदनी कहलाता अपने आप, मदनपुर उससे मदनी। ठीक, और बाद में इसी ने फिर वो अलमुहन्नत अलमुफन्नत जो उलमाए अहले अरब की खिदमत में सवाल पेश किए, फर्जी अपने अकीदे बनाकर, जो हमारे सुन्नियों के अकीदे हैं वही लिखकर कहता है कि जी हमारे तो अकीदे ही हैं, अपने असल अकीदे छुपाकर। सवाल क्यों तब्दील किया? अगर उलमाए अरब ने गलत फतवा दिया था, आला हज़रत ने गलत सवाल किया था तो वो इबारतें बताते कि भाई ये इबारतें हमारी असल इबारत तो ये, देखो आला हज़रत ने क्या करा था, तो इनकी इबारतें पर शिकेश की थी ना, तो इनका अब अगर वो गलत बयानी की थी तो इनको क्या करना चाहिए था? तो असल इबारत पेश करते कि ये तो ये इबारत है, ये उर्दू है, ये इसके अरबी, यही होता ना। तो वहां उन्होंने क्या करा, सवाल कुछ और बना लिया और वो उन्होंने उस सवाल के मुताबिक जवाब लिख दिया। तो इससे हुसामुल हरमेन की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। इससे वो बस मनसूख कैसे हो गया? वो मनसूख जब होता जब सवाल वही होता, असल बात वही होती, और उसके बाद वो कहते कि जनाब ये देखें आला हजरत ने गलत सवाल किया था, असल सवाल ये था, असल इबारत ये थी, और देखो इसके उलमाए अरब ने ये जवाब दिया, फिर तो बात समझ में भी आती। तो ऐसा तो हमको हिम्मत नहीं हुई आज तक कि असल इबारत कहता हूँ, खुद तर्जमा करके किसी ने सवाल पूछो, चलो हमने तर्जमा गलत किया तो तुम ठीक करो, हमने गलत किया ना तो तुम ठीक कर लो, और पूछ लो सवाल किसी से भी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसकी अरबी कम लो, अशरफ अली थानवी ने जो लिखा है तो ही पता लग जाएगा। तो दूसरा खलील अहमद अम्बेडकरी, इसने किताब लिखी बराहीने खातिया। बराहीने ये इसने रद्द लिखा था अनवारे सातिया नामी किताब जो एक सुन्नी आलिम ने लिखी थी, आला हज़रत ने नहीं लिखी ना, उनके खलीफा में से किसी ने लिखी। तो उस अनवारे सातिया के रद्द में इसने ये किताब लिखी और इसने शैतान के इल्म को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म से ज्यादा जाना। ठीक है, वो लिखता है कि जी ये वुसअत शैतान इल्म और मलकुल मौत का इल्म, इसकी वुसअत तो नस से साबित है। फखरे दो आलम के वुसअत इल्म पर कौन सी नस मौजूद है? तो जिसकी वजह से ये एक शिर्क को साबित करता है,
इसका मतलब यह है कि शैतान का इल्म मानना शिर्क नहीं है, लेकिन हुजूर के लिए वही इल्म मान लेना शिर्क है। तकाबुल दो एक जैसी चीजों में होता है, या तो इल्म-ए-ज़ाती का तकाबुल होगा, या इल्म-ए-अताई का तकाबुल होगा। इल्म-ए-ज़ाती और इल्म-ए-अताई का तकाबुल हो सकता है। अब शैतान के लिए कौन सा इल्म मान रहा था? इल्म-ए-अताई, उसी की बात कर रहा है। मलकुल मौत का इल्म कौन सा मान रहा है? तो यहाँ हुजूर का इल्म कौन सा मानेगा? इल्म-ए-अताई की बात होगी ना, कि भाई उनका इल्म तो इतना है इसलिए क्योंकि नस मौजूद है, लेकिन हुजूर के इल्म पर नस मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर एक शिर्क को कैसे साबित कर रहे हो? यानी हुजूर का वुसअत इल्म मानना शिर्क है, लेकिन शैतान का वुसअत इल्म मानना शिर्क। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर आखिर में जाकर एक जुमला लिख देता है कि ये बहस इसमें है कि जब इल्म-ए-ज़ाती माना जाए। तो भाई तो चल इल्म-ए-ज़ाती माना जाए कह रहा है, तो फिर इसका मतलब है शैतान के लिए तूने इल्म-ए-ज़ाती मान ली, कुफर से फिर भी नहीं बचा तू, क्योंकि तूने एक चीज का इस्बात किया शैतान के लिए और उसकी नफी की हुजूर अलैहिस्सलाम से। तो चल तूने हुजूर से इल्म-ए-ज़ाती की नफी कर दी, तो शैतान के लिए क्या इस्बात माना? तब भी काफिर हो गया, तब भी काफिर हो गया। और या फिर जो है तूने हुजूर के इल्म-ए-अताई की नफी की और शैतान के लिए वुसअत इल्म मानी, तो भी काफिर हो गया। ये शैतान के इल्म को हुजूर के इल्म से ज्यादा कह रहा है। और ये ज़ुबियात दीन में से कि हुजूर का इल्म सबसे बढ़कर है, इसलिए इस खलील अम्बेडवी की तकफीर की गई। और चौथा था रशीद अहमद गंगोही, उसने इस किताब पे तकरीर लिखी थी, फराहीने फातिहा पर उसने तकरीर लिखी। अब तकरीर बाद अवकात इंसान पढ़ता है तवज्जो नहीं होती, तो उसने तकरीर भी इस तरह लिखी कि जनाब मैंने बिल इस्तेआब इस किताब का मुताला किया। तो इसका मतलब है सारी बहस पढ़ी, ठीक है, अच्छा चलो पूरी तो पढ़ी लेकिन तवज्जो नहीं रही। तो कहता है बनजरे गायर मुताला किया, भैया गौर से पढ़ा, चल रही एक दफा तवज्जो, तो कहा कई बार पढ़ा, तो हर तावील का दरवाजा उसने खुद ही बंद कर दिया। तो इसीलिए तकरीज का मतलब ही ये होता है, अल जवाब सही जवाब कह रहे हैं तो इसका मतलब है इस इबारत को आप ही तस्लीम कर रहे हैं। तो रशीद अहमद गंगोही पर भी ये फतवा लगा दो। तो चार देवबंदी थे जिनकी आला हज़रत ने तकफीर की, आसिम नानुतवी, दूसरा अब पांचवा जो शख्स है वो है मिर्जा गुलाम कादियानी, ठीक है ना। तो सामल हरमैन में पांच लोगों का तकफीर का मसला है, छठा कोई नहीं है। अब कादियानी की तकफीर को सब मानते हैं, तो देवबंदी भी मानते, बाकी रहेगा चार, पांच चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को बिल्ली खा गई, बाकी रह गए चार। तो मिर्जा कादियानी को तो सब बिल्ली खा गई, तो अब बाकी रह गए ये चार, ठीक है ना। तो अब इन चार के ऊपर हम कहते हैं भाई हमने गलत तर्जमा किया, तुम सीधा तर्जमा कर लो। अब वो कहते हैं जी वो इबारत बीच में से हजफ कर दी और सब मिलाकर एक इबारत बना दी जो कासिम नानुतवी की इबारत थी। तो भाई हर हर जुमला उसमें कुफिया है, खातमुन नबीयीन का इनकार उसके पहले जुमले में ही मौजूद है कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी, ये तो आवाम का ख्याल है, अहले इल्म पर रोशन होगा। इसका मतलब है कि सहाबा अहले इल्म नहीं थे, हुजूर अहले इल्म नहीं थे,
सारे मुहद्दिसीन आज तक गुजरे वो अहले इल्म नहीं थे, ये अहले इल्म आ गया। ये जो मतलब बयान कर रहा है ये तो किसी ने भी नहीं बयान किया, और जिसको अवाम का ख्याल कर रहा है वो पूरी उम्मत का ख्याल है। वो हुजूर ने भी वही बयान किया, अनल आकिब ला नबिया बादी, ये सब किस माना पर दलालत करते हैं? मन आखिर नबी, जिसको ये कहता है अवाम का ख्याल। इसी तरह वो कहते हैं जी वो बिज़ात फजीलत, तो इन्होंने बिज़ात का लफ्ज़ उड़ा दिया। तो भाई तुमने तो खुद आगे कह दिया कि ये मुकामे मदा में पेश करने के काबिल ही नहीं, तो वो बिज़ात की कहते तो तुमने खुद उड़ा दी, इसीलिए वहां पर बिज़ात का तर्जमा नहीं किया। तो चलो तुम लगा दो वो कैद, अब फिर पूछ लो। बाकी शैतान वाली इबारत वो तो तर्जमा कर दो, फिर कह दो कि जरा ये देखो तकाबुल। ओ भाई वो एक ऐसी चीजों में तकाबुल होता है, मुतनाही और लामुतनाही का मुकाबला कब होता है कि जो तकाबुल करो, इल्म जाती की बात करो। और अशरफेनी की तो इतनी गंदी इबारत है, वो बार बार दो मरतबा उसने तब्दीली भी की उसमें, लेकिन फिर कुफर से नहीं बच सका। ऐसा बार मुतलक इल्म है भाई, ऐसा लफ्ज लाया क्यों तू? तो उसके ऊपर फिर जब इसने इधर वस्तुल बनान लिखा, एक रिसाला आपने लिखा तगयीरुल उनवान, वो रिसाले इसने लिखे अशरफ अली ने बाद में तब्दीली करने के लिए इबारत में, लेकिन फिर भी वो इबारत कुफ्रिया की कुफ्रिया रही। इस पे मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने दो रिसाले लिखे, इदखाल सिनान अला बस्तिल बनान और वकात सिनान अला तगीर उनवान। ये दोनों रिसाले बड़े जबरदस्त थे, मिलते नहीं है आजकल। ये मैंने दौरे तालिबे भी था उस वक्त ही मैंने पढ़े थे, बहुत पुराने लिखे हुए छोटी पॉटी की जाना उससे मैंने पढ़े। फिर इन्हीं इबारतों के हवाले से इन्होंने कुछ मुफ्ती आजम हिंद के पास सवाल जवाब और ये सारे मामलात के लिए कुछ लोग भेजे, तो उसमें कुछ सवालात उन्होंने पेश किए जिनका जवाब फिर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। उस रिसाले का नाम है अल मौदुल अहमर। क्या नाम है? ये फतावा है मुस्तफ़िया जो छपी है ना अभी, फतावा मुफ्ती आजम हिंद 7 जिल्दों में, उसकी जो 7वीं जिल्द है उसके अंदर ये रिसाला मौजूद है, ऊपर रखी है शायद, तो उसकी फोटो कॉपी करा लेना तो वो मैं फिर आपको पढ़ा दूंगा पूरा। तो अब बहरहाल जब जरूरियात दीन का मुनकिर काफिर है, तो अगर बराह रास्त इस जरूरियात दीन का इनकार हो तो ये कुफरे कलामी कहलाता है। अगर बराह रास्त जरूरियात दीन का इनकार हो, जैसे कादियानी ने किया, जैसे इन लोगों ने किया, बराह रास्त हुजूर की तौहीन, ठीक है, बराह रास्त उस खातमुन नबीयीन के माना का इनकार है, तो ये इसके काफिर होने पर सबका इत्तेफाक, ये कुफरे कलामी कहलाता है या इल्तिजामे कुफर कहलाता है। इल्तिजामे कुफर भी इसी को कहते हैं, कुफरे कलामी भी इसी को कहते हैं, और इसी के बारे में कहा जाता है कि मन शक्का फी कुफ्री ही वादा भी फकत कफर, कि अगर ये तौबा ना करे और अपने इसी अकीदे पर मर जाए तो इसके कुफर में शक करने वाला भी और इसके अजाब में शक करने वाला भी खुद काफिर हो जाता है। ठीक है, तो ये मुकैद होता है तौबा ना करने से, इसी नजरिए पे रहने से। तो ये कुफरे कलामी की बात है, इसी को कहते हैं मुतकल्लिमीन के नजदीक भी काफिर, कलामी का मतलब मुतकल्लिमीन के नजदीक। तो वो जो बराह रास्त जबियात दीन का इनकार हो वो कुफरे
कलामी होता है, मुत्तफ़क अलैह काफिर हो जाता है और दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुर्तद करार देता है। और अगर वास्ते से कुफर बन रहा हो यानी जरूरियात दीन के इनकार पर मुर्तज हो तो ये कुफर फिक्री कहलाता है, लेकिन इसे कुफर लुजूमी कहते हैं, कुफर इंतजामी नहीं कहते, यानी फुकहा के नजदीक ये कुफर होता है लेकिन मुतकल्लिमीन यहाँ तकबीर नहीं करते, क्योंकि यहाँ अदना एहतमाल मौजूद होता है कि हो सकता है कि इसका ये नजरिया ना हो। जैसे मुजस्मिया है अल्लाह के लिए जिस्म साबित करने वाले, तो कुफ्र फिक्ही है, ये कुफ्र इंतजामी नहीं है। अल्लाह के लिए मकान साबित करने वाले, वजह क्या है कि जिस्म और जिस्मानियत और मकान ये मुहताजी की दलील है और मुहताजी ना होना अल्लाह के लिए ये ज़रूरियात दीन में से है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, ठीक है। तो चूंकि इनके इस कॉल से लाजिम ये आ रहा है कि अल्लाह समद ना रहे, इन्होंने बराह रास्त समद होने का इनकार नहीं किया, बराह रास्त अल्लाह की मोहताजी की बात नहीं की, लेकिन अगर इनकी इस बात को तस्लीम किया जाएगा तो फिर ये मानना पड़ जाएगा इसके वास्ते से जरूरियात दीन का इनकार होगा। इसलिए यहां पर हम इनको काफिर नहीं डिक्लेयर करते, कुफ्रे कलामी नहीं करते हम, लेकिन कुफ्रे फिक्ही यहां पर होगा। फुकहा इस वास्ते का भी एतबार नहीं करते, लेकिन मुतकल्लिमीन इस वास्ते का वजह से शुभा जो पैदा होता है उसका एतबार करते हैं। समझ आई बात? तो कुफ्रे कलामी हमेशा जरूरियात दीन के इनकार पर होता है, नंबर एक। नंबर दो, वो इनकार बराहे रास्त हो, किसी वास्ते से ना हो, ये भी जरूरी है। समझ आई? तो अगर जरूरियात दीन का इनकार नहीं, किसी और चीज का इनकार है, तो वहां पर भी कुफ्र कलामी नहीं होगा, या अगर वास्ते से हो रहा हो तो वहां पर भी कुफ्र कलामी नहीं है। ये इंतजाम है कुफ्र कलामी, लुज़ूम और इंतजाम का फर्क समझ आ गया आपको, ठीक है। आगे जरूरियात अहले सुन्नत, जरूरियात अहले सुन्नत वो अहकाम है, वो कतई अहकाम है कि जो दलील कतई से साबित होते हैं, लेकिन इसमें उस तरह की कतईयत नहीं होती जिस तरह जरूरियात दीन में, इसमें हल्का सा शुबा होता है लेकिन वो काबिले तवज्जो नहीं होता, काबिले इत्तेफाक नहीं होता। इससे जो चीज साबित होगी वो जरूरियात अहले सुन्नत साबित होगी, अतीय दलालत अतीय सबूत ये भी होते हैं। फिर इसके लिए कतई के दो माना है, एक वो कतई के जानिब मुखालिफ का असलन एहतमाल ना रहे, और एक वो है कि जहां जानिब मुखालिफ का एहतमाल मौजूद होता है। जैसे हमने उसूल फिक्र में पढ़ा था कि जाहिर नस मुफस्सर मुहकम,
चारों चीजें फतेही होती हैं, लेकिन सबसे बुनियादी चीज क्या होती है? मौकम। सबसे पावरफुल प्रति कि जहां नस का भी एहतमाल नहीं होता। जाहिर नस मुफस्सर में नस का एहतमाल होता है, जाहिर के मुकाबले में नस आ सकती है, नस के मुकाबले में मुफस्सर आ सकता है, लेकिन मौकम के मुकाबले में कुछ नहीं होता। तो चारों कतई है, लेकिन कतई बिलमानल अखस जो है वो मौकम होता है। बाकी जो तीन होते हैं वो कतई बिलमानल आम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जरूरियात अहले सुन्नत में कतई बिलमानल आम होता है, और जरूरियात दीन के अंदर कतई बिलमानल अखस होता है। होते दोनों कतई, लेकिन जरूरियात दीन ऐसा कतई होता है कि उसमें जानिब मुखालिफ का असलन एहतमाल मौजूद ही नहीं होता। और जरूरियात अहले सुन्नत में ये भी कतई मसाइल होते हैं, लेकिन जानिब मुखालिफ का एहतमाल तो होता है लेकिन बिला दलील होता है, उसकी कोई दलील नहीं होती। जैसा मुफस्सर के मुकाबले में नस का एहतमाल है लेकिन उस नस के ऊपर कोई दलील मौजूद नहीं, तो इससे उस मुफस्सर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कतई रहता है। इससे वो कोई जन्नी नहीं बन जाता कि जनाब जानिब मुखालिफ का एहतमाल मौजूद है, तो ये कतई के खिलाफ नहीं। समझ आई बात? तो जरूरियात दीन भी कतई है और जरूरियात अहले सुन्नत भी, एक कतई बिलमानल आम है, दूसरा कतई बिलमानल अखस। अब जरूरियात अहले सुन्नत ये है कि हर अहले सुन्नत इस चीज को जानता है, वो भी सुन्नी है, वो इन मसाइल को जानते हैं, और सुन्नी होने के लिए इनका मानना जरूरी है, इसका इनकार ना। जैसे अजाब खबर है, अजाब खबर का मामला है, तमाम सहाबा का आदिल होना है, तमाम सहाबा का इत्तेफाक होना है, सिद्दीक अकबर की अफजलियत का मसला है, चारों खुलफा की तरतीब का मामला है, इनका बरहक होना है, ठीक है। इसी तरीके से मीजान का मामला है, कयामत के दिन तराजू कायम किया जाएगा। अकीदा आखिरत जरूरियात दीन में से है, आखिरत का दिन जरूरियात, लेकिन आमाल का वजन किया जाएगा तराजू से, ये जरूरियात अहले सुन्नत में से है। समझ आई? तो ये अलग है, उसी का एक हिस्सा, ये जरूरियात दीन में से और पूरा जरूरियात दीन में से अकीदा आखरत, और ये मानना इसी तरह तकदीर का मामला। कदरिया को जो तकदीर के मुनकर है उनको गुमराह बेदीन कहा गया, तकदीर नहीं की गई, उफरे कलामी ही नहीं है, उफरे फिक्री है, अहले सुन्नत से खारिज करते हैं। इसी तरह तफसीलियों को, इसी तरह सहाबा पर तबर्रा करने वालों को उसने फिक्री है, उसने कलामी नहीं करते, ठीक है ना। जो किसी भी एक सहाबी की तौहीन करे वो तबर्रा ही है, राजनीति में माफिया की शान में करे या किसी और सहाबी की करे, जिसकी सहाबियत साबित है उसके ऊपर कलाम करेगा तो उसको यही हुक्म लगेगा। बताएगा तो ये सारे जरूरियात अहले सुन्नत के अलावा तो अब ये क्योंकि कतई बिलमानल आम है तो ये जन्नी बिलमानल अखस होता है। ऐसा जन्नी जिसके ऊपर कोई दलील ना हो, तो इसलिए कहा गया कि जो
अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला है वो कतई भी है और जन्नी भी है। कतई बिलमानल आम है और जन्नी बिलमानल खास है, दोनों में कोई तारुफ नहीं जमा। इसके लिए आलम का जो रिसाला है मतलब कमर है उसकी आखिर की बहस पढ़ना बहुत मुफीद रहेगा। और ये कतई की और ये जरूरियात दीन की जो बातें की मैंने, ये अलबूदुल हुदू की दिव्यानिल हुदू जो शुरू की पहली जिल्द है उसके अंदर आला हज़रत ने ये जरूरियात दीन और इसकी सारी बहसें की हैं। ये भी बहुत शानदार है पढ़ने से मुताल्लिक रखती है। तो जो पहले वाले का मुनकिर होगा वो दायरे इस्लाम से खारिज, और जो दूसरे का मुनकिर होगा अब बराह रास्त इनकार करेगा, बराह रास्त इनकार करेगा तो वो उस पर कुफ्र फिक्ही भी लगेगा और अहले सुन्नत से खारिज भी होगा। और अगर बराह रास्त इनकार नहीं करता लेकिन वास्ते से करता है तो उस पर अहले सुन्नत से खुरूज का फतवा तो लगेगा लेकिन कुफ्र फिक्ही नहीं होगी। ये वो नुक्ता बता रहा हूँ जिसमें बहुत लोग फंसते हैं, और तारिक अनवर मिसबाही साहब को भी मैंने देखा वो भी इसमें कंफ्यूज है, वो हर जगह पर जो है ना वो कुफ्र फिक्ही लगा देते हैं। हालांकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो अहले सुन्नत से खुरूज का सबब तो बनती हैं लेकिन वहां तकफीर का कोई मामला नहीं होता, जैसे अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला है। अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला अगर तस्लीम ना किया जाए तो उसके तमाम सहाबा पर फिस का हुक्म लाजिम आता है, और तमाम सहाबा का आदिल होना ही जरूरी है। पहले सुन्नत वजह इसकी क्या है, जब सिद्दीक अकबर को खलीफा बनाया गया तो हजरत उमर फारूक आजम ने दलील क्या पेश की, तो जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन के लिए मुंतखब किया उसको हम अपनी दुनिया के लिए मुंतखब करते हैं। सिद्दीक अकबर की दीनी अफजलियत को दलील बनाया था सियासत और खिलाफत के लिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जो नमाज के लिए सिद्दीक अकबर को इमामत के लिए मुकर्रर किया था और किसी और की इमामत का इनकार भी किया, किसी ने मशवरा दिया तो उसको डांट भी पिलाई, उम्मातुल मोमिनीन को भी डांट पड़ी इस पर, इजहारे नाराजगी भी फरमाया। ये सब इस बात पर वाज़ेह दलील था कि यहाँ सिर्फ मसला नमाज की इमामत का नहीं। आपने आप अलैहिस्सलाम ने अपने सामने ही सिद्दीक अकबर को मसल्ले पर पहुंचा दिया, ये मुसलमानों के लिए वाज़ेह इशारा था कि तुम्हारे अंदर सबसे अफजल अबू बकर। उस मौके पर हजरत अली भी मौजूद थे, हजरत उस्मान भी मौजूद थे, हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद थे, अशरा मुबशरा भी थे, ठीक है, फारूक आजम ने एक नमाज पढ़ाई भी, आप अलैहिस्सलाम ने उस पर इनकार भी फरमाया। हजरत आयशा ने आकर हजरत हफ्सा से कहा कि अबू बकर बड़े नरम दिल वाले हैं, तो हुजूर के मसल्ले पर नमाज पढ़ाएंगे तो हुजूर की याद आ जाएगी तो रोने लग जाएंगे, अपने आंसुओं पर काबू नहीं पाएंगे, वो नमाज ही नहीं पढ़ा पाएंगे। उमर जरा हैं अपने जज्बात को काबू में रखने वाले, उमर को कह दो कि वो नमाज पढ़ा दें। हजरत हफ्सा ने उनकी बातों में आ गई, उन्होंने जाकर हजरत उमर को कह दिया और हुजूर से जाकर बात की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही की डांटा, अंतुन्ना का सवाही भी यूसुफ
तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को घेरने वाली औरतों की तरह हो। मुरुआ बाबा बिना यू सलिया बिना अबू बकर को कहो जाकर नमाज पढ़। तो देखो सहाबाए कराम ने दलील क्या पेश की थी, सिद्दीक अकबर की दीनी फजीलत खिलाफत और सियासत के लिए, और उस दलील को सबने तस्लीम किया। अब अगर अफजलियत सिद्दीक अकबर नहीं मानते, इसका मतलब है कि सहाबा ने जो सिद्दीक अकबर को खलीफा बनाया वो गलत बनाया, तो फिर वो आदिल कहां रहे। शिया कहते हैं खबीस यही तो बकवास करते हैं सारी, इसलिए ये अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला ज़रूरियात अहले सुन्नत में से हो रहा है। ऐसे तो आज लोग बातें करते हैं ना भाई ये तो कयामत का मामला है, कौन अफजल है कौन नहीं है ये तो अल्लाह फैसला फरमाएगा, हम और आप कौन होते हैं फैसला करने वाले। ही बेशक अल्लाह ही ने फैसला फरमा दिया, लेकिन जो दुनियावी अहकाम से मुतालिक यहाँ पर ये गुफ्तगू मौजूद है, क्योंकि ये हमारा अहले सुन्नत का बुनियादी नजरिया है कि तमाम सहाबा आदिल हैं, क्योंकि कुरान इन्हीं के जरिए हम तक पहुंचा है, यही हमारी हुज्जत है। अगर ये आदिल नहीं होंगे तो कुरान के ऊपर एतमाद कैसे करोगे, कुरान काबिल एतमाद कैसे रहेगा। ये मामला तो ज़रूरियात दीन तक भी पहुंच जाता है फिर, इसलिए अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला इतना अहम है, तो इसी की बुनियाद पर सहाबा के आदिल होने की बात हो रही है। तो अब अगर सहाबा इकराम ने गलत काम किया तो फिर आदिल नहीं रहेंगे, और उन्होंने ये काम किसकी बुनियाद पर किया, अफजलियत सिद्दीक अकबर की बुनियाद पर किया, इसीलिए सबने उस दलील को तस्लीम भी किया और सबने हिमायत भी की और बैत भी की। समझ आ गई बात। तो यहां पर क्योंकि सहाबा के आदिल होने की बराह रास्त नफी नहीं है, बिलवास्ता है, इसलिए यहां तकफीर नहीं करते हैं, ना कुफरे कलामी करते हैं ना कुफरे फिक्री करते हैं, हाँ अहले सुन्नत से खारिज जरूर कहते हैं। और अगर कोई जरूरियात अहले सुन्नत ऐसा है कि जिसका बराह रास्त इनकार होगा तो वहां पर कुफरे फिक्री आएगा, वहां पर कुफरे फिक्री आएगा, जैसा कि रवाफिज कईद खवारिज ने मौला अली की तकफीर की। तो यहां अदल की अदालत की बराह रास्त नफी हो रही है, यहां बराह रास्त नफी हो रही है ना, सहाबा इकराम को आदिल तस्लीम करने से इनकार कर दिया उन्होंने, फील कर रहे हैं बराह रास्त। इसी वजह से जो खिलाफत राशिदा को तस्लीम ना करें, फारूक सिद्दीक अकबर की खिलाफत को तस्लीम ना करें, तो इसको बराह रास्त कुफ्र फिक्री कहा गया, खुलासतुल फतावा और दीगर किताबों में कहा गया ये काफिर है। तो बराह रास्त इनकार हो रहा है इजमाए सहाबा का, समझ आ रही है बात। लेकिन अफजलियत सिद्दीक अकबर पे तकफीर नहीं कर रहे, क्योंकि बिलवास्ता हो रहा है, ये फर्क समझा। तो जहां बराह जरूरियात दीन का इनकार हो वो कुफरे कलामी, जहां बिलवास्ता जरूरियात दीन का इनकार हो वहां कुफरे फिक्री, और जहां बराह रास्त जरूरियात अहले सुन्नत का इनकार हो यहां पर भी कुफरे फिक्री, और जहां बिलवास्ता जरूरियात अहले सुन्नत का इनकार हो वहां कुफरे फिक्री नहीं होगा लेकिन खुरूज अनिल अहले सुन्ना होगा। ये बहुत जबरदस्त तकनीक किए मैंने, इसको अगर देखोगे तो इंशाल्लाह यही मिलेगा। ये दो किस्में हो गई हमारी,
लुबियात दीन हो गई, लुबियात अहले इनके मुनकरीन के हुक्म आ गए। तीसरा है साबितात मुहकमा, जो ना जरूरियात दीन से मतलब ताल्लुक रखता है ना जरूरियात अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता है, लेकिन दलील कतई से साबित हो रहा है, मुहकम है बात, वो तवातुर नहीं है, लेकिन उम्मत का इत्तेफाक है इस पर, जैसे चारों फकहा का इत्तेफाक, ये एक मजलिस की तीन तलाक साबितात मुहकमा में से है। इसका मुमकिन गुनाहगार खाती बिदती ये अकाम उसके ऊपर लगते हैं, साबितात मुहकमा ये मानना हर एक पर जरूरी है, लेकिन अगर इसको मानेगा तो इसका क्योंकि ताल्लुक अकीदे से नहीं होता तो फिस्क को फजूर का हुक्म लगता है, इस पर फासिक का हुक्म लगता है, ठीक है, लेकिन कुफ्र फिक्ही या कुफ्र लुजूमी इस पे नहीं होता, चाहे बराह रास्त ही इनकार क्यों ना हो या बिलवास्ता हो, बात एक ही, ठीक है। और बाकी चौथा बचा जन्नियात मुहतमला, वो खबर वाहिद जो अपने मफहूम पर कतई ना हो, या कुरान की वो आयत जो मौकल है, मौकल है तो अपने मफहूम पर कतई ना हुई, जैसा कि पूर्व वाला मसला है सलासत अकुल, तो इसमें हर शख्स फिर अपने इमाम की पैरवी करेगा। यहां पर फिर जन्नियात मुहतमला में तकलीद की बहस आती है, जो तकलीद होती है वह इसमें होती है, जो दलील में नजर करने का अहद होता है तो उसकी दलील उसकी बात की पैरवी की जाती है, यहां मुश्तहिद की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहां फरीक मुखालिफ पर कोई ना फिस्क का हुक्म लगता है, ना गुमराही का हुक्म लगता है, ना कुफ्र का हुक्म लगता है, कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ सामने वाले को खाती कहा जाता है, जैसा कि अनाफ और शवाफे का इख्तलाफ, ये जो भी इख्तलाफ आता है ये सब जन्नियात मुहतमला में आता है। यहां हर शख्स अपने इमाम की पैरवी करेगा, तो ये जो भी मसाइल होंगे चार के अंदर ही घूमेंगे, जो बातें भी दीन की होंगी इन चार में से कोई एक किस्म से ताल्लुक रखेगी, या तो जरूरियात दीन होगी, या जरूरियात अहले सुन्नत से होगी, या साबितात मुहकमा में से होगी, या जन्नियात मुहतमला में से होगी। तो अब हर एक के लिए उसी के मर्तबे की दलील दरकार है, हर एक के लिए मुनकिर पर उसी के मुताबिक हुक्म लगेगा। अब अगर कोई हिफ्ज़े मरातिब ना रखे, इनमें फर्क ना करे, तो वो या तो मजनून है या बहुत ही बड़ा मक्कार आदमी है, हर एक के लिए वो दलील वो मांगे जो जरूरियात दीन की है, लाओ भाई दलील लाओ, फना से लाओ, अबे भाई तो जैसा दावा है दलील भी उसके मुताबिक हो, समझ आ गई बात, क्लियर है, अब कोई सवाल है तो करना।